दोस्तों, अगर आप लोग भी पेटीएम ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो अभी फ़िलहाल पेटीएम की न्यूज़ चल रही है कि पेटीएम ऐप बंद होने वाली है, पेटीएम ऐप में कोई फ्रॉड हो गया है या गवर्नमेंट ने पेटीएम ऐप को बंद कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी पेटीएम ऐप है वो ऐसे रेगुलर चल रही है। पेटीएम से जो आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, मतलब कि आप कोई पेमेंट करते हैं, बिल पे करते हैं, वाटर बिल पे करते हैं या से या कोई ट्रेन बुकिंग करते हैं या कोई प्लेन बुकिंग करते हैं, इस तरह की जो यूटिलिटी सर्विस होती हैं वो अभी नॉर्मली चल रही हैं। और RBI ने कहा है कि पेटीएम को आप एज ए मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। पेटीएम को आप एज ए ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसे आप लोग पेमेंट गेटवे की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम में किस चीज़ों के ऊपर RBI ने रोक लगाई है। पेटीएम बैंक को अगर आप लोग यूज़ करते हैं या उसमें आप कुछ मनी ऐड करते हैं तो वो आपसे नहीं हो पाएगी। पेटीएम बैंक में ऑलरेडी अगर आपका पैसा है उसे आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आप पैसा ऐड नहीं कर सकते हैं। पेटीएम में अगर आपने कोई FDs बनाई हैं, फिक्स डिपॉजिट्स बना के रखे हैं, वो भी आप लोग अब नहीं बना सकेंगे। तो पेटीएम से अगर आपने कोई FDs बनाई हैं तो उसे आप जल्दी से ब्रेक कीजिए और अपना पैसा निकाल के किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये वीडियो मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाई थी कि आप लोगों को पेटीएम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेटीएम अभी तक के लिए हमारा एक सुरक्षित जो UPI पेमेंट का सोर्स है। मैं भी पेटीएम को ही यूज़ करता हूँ, जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी मैं पेटीएम से ही करता हूँ। पेटीएम हमारा एक अच्छा पेमेंट का सोर्स है और एक अच्छा ट्रस्टेड और रिलायबल सोर्स है। तो आप लोग भी पेमेंट्स के लिए पेटीएम को ही यूज़ करें। ओके माई फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।